नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सरकारी कॉलेज में एडमिशन के, यहाँ पे दो नोटिस आए हुए हैं, दोनों नोटिस के बारे में बात करेंगे। दोनों नोटिस किस प्रकार से होने वाले हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। खाली सीटों पर एडमिशन, एक नोटिस जारी हुआ है, कल से ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अभी डिपार्टमेंट पर वहाँ पे नोटिस जो साइट पे आया नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ, ये कन्फर्म नोटिस है, कॉलेजों में नोटिस लग चुका है। खाली सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया चालू हो गई है, जो कि चुनाव से पहले होने वाली थी, लेकिन छात्र संघ चुनाव के चलते लेट कर दी गई इस बार। और अभी जो खाली सीटों पर प्रोसेस है वो आज से शुरू हो गई है, 7 सितंबर से शुरू कर दी गई है। और दूसरा नोटिस है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एडमिशन फीस की जो डेट थी वो बढ़ा दी गई है। अब दोनों नोटिसों को डिटेल से समझेंगे। खाली सीटों पर फॉर्म कौन कौन लगा सकता है, कौन कौन से कॉलेजों में खाली सीटें हैं, किस हिसाब से देखेंगे। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, खाली सीटों का पता कैसा चलेगा कि किस कॉलेज में किस कास्ट की किस सब्जेक्ट की सीटें खाली हैं। और दूसरी चीज़ है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो एडमिशन फीस है वो किस हिसाब से आपकी जमा होगी। तो ये नोटिस यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाले हैं, दोनों डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो दोनों नोटिस हम समझते हैं डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं खाली सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया किस हिसाब से होने वाली है सेशन 2022-23 की। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनमें अगर सीटें खाली हैं तो ही उनमें फॉर्म लगेंगे, उसकी प्रक्रिया अलग से लगती है, जो कि यहाँ पे शुरू हो गई है। अब पहले किसी ने फॉर्म लगाया था और उसका एडमिशन नहीं हुआ है तो उसको दोबारा से फॉर्म लगेगा अगर उसकी कैटेगरी में सीटें खाली हैं तो। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर आपकी कैटेगरी की सीटें खाली हैं तो ही आप फॉर्म लगा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जनरल की सीटें खाली है ही नहीं तो जनरल का वाला आदमी, मतलब कि ओबीसी की सीटों में यहाँ पे आवेदन कर सकता है, ऐसा नहीं है। पोर्टल तभी ही खुलेगा, जो एसटी की साइट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज की साइट है, वहाँ से पोर्टल जो ओपन होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपकी जनरल की सीटें खाली हैं। मान लो बीकॉम की बात करते हैं तो बीकॉम में मान लो सीटें खाली हैं तो बीकॉम में जनरल की खाली हैं तो जनरल वाला ही स्टूडेंट उसमें लगा सकता है। ओबीसी की खाली हैं तो ओबीसी वाला स्टूडेंट उसमें फॉर्म लगा पाएगा, तो इस हिसाब से वहाँ पे फॉर्म लगेंगे। लेकिन अब एक चीज़ बता देता हूँ, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कॉलेजों में सीट खाली है नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कॉलेज में संपर्क करना पड़ेगा जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो वहाँ से पता चल जाएगा किस डिपार्टमेंट में किसकी सीटें खाली हैं। और दूसरी चीज़, आप खुद भी देख सकते हैं, ऑनलाइन साइट पर आप देख सकते हैं। कैसे देख पाएंगे आपको बता देता हूँ, SSO ID ओपन करनी है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का पोर्टल दिया हुआ होता है, वहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद में क्या आता है कि फॉरम आता है, ऑनलाइन फॉरम का अपडेट। अभी क्या है, आज की डेट में सुबह तक तो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन शाम तक ये फॉरम वहाँ पे लिंक एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में क्या है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट की किस कास्ट की वहाँ पे फॉरम सीटें खाली हैं, तो जैसे ही पता चलेगा उसके आवेदन करने। अब काफ़ी कॉलेज हैं जिनमें क्या है कि, जैसे मेरे पास नोटिस आया है, एक दोस्ता कॉलेज का नोटिस है, इस नोटिस में क्या है कि खाली लिखा गया है, जहाँ पे नहीं लिखा है वहाँ पे सीटें खाली हैं, और जहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ उसका मतलब ये है कि वहाँ पे इतनी सीटें खाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसा ही नोटिस आपको प्रत्येक सरकारी कॉलेज में देखने को मिलेगा। तो जिन जिन कॉलेजों का नोटिस उन कॉलेजों में लग चुका है देख लेंगे, नहीं लगा है तो भी आप वहाँ के नोडल अधिकारी से संपर्क करके देख सकते हैं। कॉलेज में एक नोडल अधिकारी होता है जो इस एडमिशन प्रक्रिया को पूरा देखता है। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है, SSO ID से आप देख भी सकते हैं खुद भी कि किस हिसाब से आपकी सीटें खाली हैं। अब बात करते हैं कि खाली सीटों पर एडमिशन कब से शुरू है। तो 7 सितंबर से 13 सितंबर तक आपके फॉरम चलेंगे, ऑनलाइन होंगे फॉरम, फिर से वही प्रक्रिया है, फॉरम आपको भरना है। अब एक चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे LBS कॉलेज कोटपुतली की बात करूँ तो BCOM में सीटें खाली हैं, बाकी में खाली हैं नहीं, ये पोर्टल जैसे लिंक एक्टिव होगा उसके बाद में पता चल जाएगा, तो मेरे संपर्क करके पूछ लेंगे। लेकिन बाकी कॉलेजों का आपको साइट से देखना पड़ेगा, SSO ID से, वहाँ से पता चल जाएगा। जिसको नहीं आता है समझ, जो मुझसे पूछ लेंगे, हमारे Instagram ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप कन्फर्म कर लेंगे कि आपके कॉलेज में, प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, वहाँ पे सीटें खाली हैं या नहीं, आपके डिपार्टमेंट की, आपके सब्जेक्ट की और आपके कास्ट की, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, 7 सितंबर से 13 सितंबर तक तो आपके फॉरम चालू रहेंगे। और जो पहली लिस्ट है, इस पे जो लिस्ट आती है खाली सीटों पर, जो एडमिशन लिस्ट आएगी वो 16 को आएगी, पहली लिस्ट 16 सितंबर को आएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके बाद में फीस जो जमा होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ में जो फीस जमा होती है वही प्रोसेस रहेगा जो पहले जो मेन मुख्य सीटों पर आवेदन हुए थे, तो उसके बाद में सेम वही प्रोसेस है। 16 सितंबर 2022 को लिस्ट आएगी और उसके बाद में 16 से 23 तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और फीस जमा होगी। ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई सभी को करवाने हैं, जो
ब्लैंक सीटों पर यहाँ पे आवेदन करेंगे। सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। पहले अगर आपने करवा रखा है कहीं पे तो वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ था, डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ले लेंगे। और इस कॉलेज जिस भी कॉलेज में आप आवेदन कर रहे हैं खाली सीटों पर, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है। 23 सितंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है और फीस जमा की 24 है। उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि किस किस का एडमिशन हुआ। तो ध्यान रखें, खाली सीटों के यही प्रोसेस है, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की जो खाली सीटों की प्रोसेस है, अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो 4 संघटक कॉलेज है, महाराजा महारानी, राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज, इन कॉलेजों की यह प्रक्रिया नहीं है, पहले ही कन्फर्म कर देता हूँ। तो प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनकी यह प्रक्रिया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संघटक कॉलेजों की यह प्रक्रिया नहीं है। तो आप ध्यान रखें, 7 सितंबर से 13 सितंबर तक फॉरम चालू है। मित्र से आपको आवेदन करना है, डॉक्यूमेंट्स को आपको संभाल के रखने हैं। और जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आए, पहली लिस्ट आएगी जो आएगी खाली सीटों पर आएगी 16 सितंबर को, उस दिन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। 23 सितंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। तो ये खाली सीटों की प्रक्रिया है। खाली सीट कहाँ है कहाँ नहीं है ये आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एडमिशन फीस जमा की डेट पड़ी। तो बिल्कुल यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ है, नोटिस आप देख सकते हैं। नोटिस में काफ़ी कन्फ्यूजन लोग हो रहे हैं कि कौन सी फीस जमा करवानी है। काफ़ी लोगों ने पहले करवा रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी क्या है, वे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में थे, पिछले साल एग्जाम दिए और सेकेंड ईयर में चले गए, अब एडमिशन फीस किसकी जमा होती है? रेगुलर स्टूडेंट की जमा होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। रेगुलर स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में थे, एग्जाम दिए थे और सेकेंड ईयर में हो गए हैं, जिन्होंने करवा दिया है उनके लिए अच्छी बात है, नहीं करवाई है तो आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। डेट बढ़कर यहाँ पे 15 सितंबर हो गई है, 15 सितंबर 2022 यहाँ डेट हो गई है। 15 सितंबर 2022 तक आप जमा करवा सकते हैं एडमिशन फीस। सेकेंड ईयर में थे, सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए हैं तो फाइनल की एडमिशन फीस जमा करवानी है। फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुके हैं तो आपको सेकेंड ईयर की फीस जमा करवानी है। काफी लोगों ने रिजल्ट से पहले जमा करवा दी थी, लेकिन काफी लोग थे जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उसके बाद में जमा करवाएंगे, तो यहाँ पे डेट को बढ़ा दिया गया। काफी लोगों के सवाल आ रहे थे इसको लेकर भी कि क्या डेट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो क्या नॉन कॉलेज हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि डेट कन्फर्म बढ़ेगी, तो 15 सितंबर 2022 तक आपको एडमिशन फीस जमा करवानी है। ऑनलाइन ही मित्र से साइट पे जमा हो जाएगी, ध्यान रखें। ये सारे दो नोटिस आए हुए हैं सरकारी कॉलेज के, ध्यान रखें सरकारी कॉलेज, प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनके नोटिस आए हैं। खाली सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया चालू हो गई है 7 सितंबर से 13 सितंबर तक, और 16 सितंबर को पहली लिस्ट आएगी और 23 सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और जो सेकेंड ईयर और फाइनल के जो एडमिशन फीस जमा करवानी है, दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, पीजी के भी जो है एमकॉम प्रीवियस में थे, एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन उनको सेकेंड ईयर की फीस जमा करवानी है, उनको एमकॉम फाइनल ईयर की फीस जमा करवानी है, तो उसकी भी डेट यही रहने वाली है। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का कोई भी नोटिस हो आप तक समय से पहुंचे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पुटपुत्री एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मतलब बेल आइकन प्रेस करें, और ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, खाली सीट कहाँ कहाँ है प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में, इसका नोटिस जैसे ही लिंक एक्टिव होगा SSOID से पता चलेगा। SSOID पे जैसे लिंक एक्टिव होगा उसके बाद हम पता कर सकते हैं किसमें कितनी सीटें खाली हैं, कहाँ कहाँ सीटें खाली हैं। तो जैसे आज शाम तक ये लिंक एक्टिव हो जाएगा उसके बाद हम आपको बता देंगे। तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखें, चैनल पर कमेंट भी करें अगर कोई सवाल है तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहें, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पुटपुत्री एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।